टाटा ने इस साल ऑटो एक्सपो में अपनी नई एसयूवी शोकेस करी थी, टाटा H5X। ये एसयूवी लैंड रोवर की फ्रीलैंडर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और जो डिज़ाइन आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन कार में भी ऑलमोस्ट यही डिज़ाइन रहेगा जैसा कि नेक्सॉन में भी रहा था। इस कार का फाइनल नेम रहेगा टाटा हैरियर, लेकिन हमारे ओपिनियन में टाटा को सियरा का ब्रांड नेम रिवाइव करना चाहिए था या फिर इस कार को सफारी का नेक्स्ट जनरेशन की तरह लॉन्च करना चाहिए था। इस कार का प्राइमरी कंपटीशन रहेगा महिंद्रा XUV500। इसका सेकेंड कंपटीशन रहेगा जीप कंपस, जिसमें फियाट का 2 लीटर डीजल इंजन यूज होता है और टाटा हैरियर में भी यही सेम इंजन यूज होगा और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 140 ब्रेक हॉर्स पावर। कंपटीशन की तरह इस कार में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन मिलेगा। इस कार की प्राइस रेंज रहेगी 15 से 20 लाख के बीच में। आज टाटा ने अनाउंस आज टाटा ने अनाउंस कर दिया है कि ये कार लॉन्च होगी अर्ली 2019 में, लेकिन हमें लगता है कि नवंबर 2018 तक टाटा इस कार को अनवेल कर देगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे। आप जीप कंपस लेंगे, XUV500, टाटा हैरियर लेंगे क्या, या डस्टर लोगे? डस्टर कौन लेता है, या एक और गाड़ी भी है, क्रेटा। जी, Hyundai लोगे। क्या देख रहे हो तुम? लड़की, 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 लड़की।